इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जौलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन विभाग के मंत्री डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया के सामने सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक टूट पड़े। दरअसल भदौरिया की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला आपदा प्रबंधन की बैठक बुलाई गई। विधायकों का कहना है कि कोरोना के संक्रमण से निपटने के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठाए जा रहे। न रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल रहे हैं, न बेड और न ही ऑक्सीजन, इससे मरीजों की मौत हो रही है। विधायकों ने यह भी कहा कि प्रशासन स्तर पर संक्रमण रोकने कोई रणनीति नहीं बनाई गई है। कई कई दिनों में रिपोर्ट आ रही है, संक्रमित व्यक्ति घूम घूम कर संक्रमण फैला रहा है। हम लोगों को सभी ये सुझाव था कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति कंट्रोल में पंचायत स्तर पर काम करना पड़ेगा। वो निचले लेवल पर जो कमेटी बनाकर वहाँ के लोगों का सहयोग लेकर, जो गाँव वाले डरते हैं या जो क्वारंटाइन नहीं होते हैं और गाँव में जाँच नहीं हो पा रही, उन जांचों को करना पड़ेगा, तब हम कोरोना को रोक पाएंगे। और इसके लिए हमने सब मिलकर एक कमेटी बनी है, उस कमेटी का सब व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे और क्षेत्र के लोग हम प्रयास करेंगे कि कोरोना जल्द से जल्द रोके। मैंने आज अपनी विधायक निधि से भी और अन्य मत से भी, हम लोग चाह रहे हैं कि 20 बिस्तर का अस्पताल का काम बरगी नगर में शुरू हो गया है और सहपुरा में 10 और चरगमा में 10, वहाँ ऑक्सीजन युक्त ऑक्सीजन में जो खर्चा आ रहा और दवाइयों में जो खर्चा आ रहा, मैं अपनी विधायक निधि से दे रहा हूँ। और क्वारंटाइन सेंटर में लोगों को सहयोग करना पड़ेगा। लोग गांव के लोग क्वारंटाइन सेंटर जाना नहीं चाहते, वहाँ के क्षेत्रीय लोग मिलकर क्वारंटाइन सेंटर में जो भी भोजन पानी की व्यवस्था होगी उसको हम लोग करने तैयार। आप भी देख रहे हैं, उसमें भी बातचीत हुई है, उसको भी एक टीम बना के उनसे भी संवाद करेंगे। निजी अस्पतालों को बुलाया भी था, अभी हमारे कलेक्टर ने हमारे सांसद जी के साथ भी बैठे थे, उन सबसे भी बात करेंगे, व्यवस्थित कर रखिए। अभी एक 400 बेड का यहाँ पे आज हम अभी देखने जा रहे हैं, आप लोग भी चलिए। एक 400 बेड की और व्यवस्था कर रहे हैं, एक बड़ा सेंटर बनाने की, तो ये सब व्यवस्थाएं तो करने वाले हैं क्योंकि ये आपदा का काल है। इस सब व्यवस्थाओं में मध्यप्रदेश की सरकार। जिले में लगातार बढ़ते कोरोना के आंकड़ों और व्यवस्थाओं को लेकर समीक्षा करने पहुंचे प्रभारी मंत्री अरविंद भदौरिया ने सुबह सर्किट हाउस स्थित मीटिंग हॉल में पार्टी कार्यकर्ताओं सहित संगठन पदाधिकारियों की बैठक ली। जिले में ताजा हालातों पर इस बैठक में चर्चा हुई। आगामी दिनों में किस तरह के कोरोना पर काबू पाया जाए, इन तमाम बिंदुओं पर पार्टी कार्यकर्ताओं और संगठन ने प्रभारी मंत्री को सुझाव दिए। साथ ही प्रभारी मंत्री अरविंद भदौरिया ने बताया कि प्रदेश सरकार क्राइसिस मैनेजमेंट टीम की विधानसभा स्तर पर भी गठन करने पर मन बनाए हुए है। विधानसभा स्तर पर क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम में एसडीएम स्तर के अधिकारी जनप्रतिनिधि की अध्यक्षता में कोरोना से किस तरह से हालात पर काबू पाए, इस दिशा में काम किया जाएगा। नीचे ही स्टॉप डैम जैसे होते ना, बाढ़ एकदम ना आ जाए तो स्टॉप डैम जैसे होते, वैसे नीचे ही किल कोरोना अभियान जो टू शुरुआत कर रहे हैं, किल कोरोना अभियान के तहत नीचे इसको स्टॉप करना पड़ेगा। तो हर घर में हमारा सर्वे हो जाए और वहाँ मेडिसिन भी चली जाए। दिक्कत क्या हो रही है कि बुखार आए 3 दिन 4 दिन वहीं नीचे आप रह रहे हैं, तब तक क्या हुआ, लंग्स कर गया 50-60% इफेक्टेड, उसके कारण फिर हम लाइलाज हो जाते हैं। इसलिए ऐसा टीम हम इनको आज बना देंगे, उन सब अधिकारियों के साथ हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ मीटिंग करेंगे। जबलपुर इस समय कोरोना संक्रमण की आग में जल रहा है। कोरोना संक्रमण के चलते जिले में कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है। कर्फ्यू के दौरान रविशंकर शुक्ल स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रहे खिलाड़ियों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने लगभग 22 युवा खिलाड़ियों के मोटरसाइकिल के पहिए की हवा निकाल दी। मोटरसाइकिल की हवा निकलने के बाद खिलाड़ी अपने 2-पहिया वाहन पैदल खींचते नजर आए। दरअसल कोरोना के कारण जबलपुर में कोरोना कर्फ्यू लगा है और युवा खिलाड़ी स्टेडियम में कई दिनों से प्रैक्टिस करने आ रहे थे। पुलिस को किसी ने सूचना दी कि कोरोना संक्रमण के काल में खिलाड़ी स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रहे हैं। पुलिस को सूचना मिलते ही वह हरकत में आई और स्टेडियम पहुंचकर युवा खिलाड़ियों की मोटरसाइकिल से हवा निकाल दी और उनका चालान काटा। इनको लगभग 4-5 दिन से लगातार हिदायतें दी जा रही हैं कि आप लोग यंग प्लेयर्स हैं, आपको उतना खतरा नहीं है, लेकिन आप यहाँ से जो वायरस घर पे लेके जाएंगे उससे आपके माता पिता बीमार हो सकते हैं और विषम परिस्थिति निर्मित हो सकती है। तो आज नहीं समझाने के परिणामस्वरूप, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, इसलिए इनको हिदायत स्वरूप इनको फिजिकल भौतिक दंड देने के लिए, जैसे हम लोग ये ट्रेनिंग करते हैं तो हम लोग को पीडी दी जाती, पनिशमेंट ड्रिल दी जाती, तो इनको भी एक पनिशमेंट ड्रिल जैसी दी गई कि गाड़ी की हवा निकाली गई ताकि पैदल घर तक जाएं और इनको एक मिनिमम फाइन जो होता है, जो कि जिला दंडाधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया, वो मिनिमम फाइन का सबका किया गया। मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने आज जबलपुर दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुंची। ऑक्सीजन एक्सप्रेस स्टील सिटी बोकारो से 864 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए जबलपुर पहुंची। यहां के बिड़ाघाट स्टेशन पर 2 टैंकर अनलोड किए गए। गौरतलब है कि प्रदेश के लिए आई यह दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस मध्य प्रदेश के साथ ही जबलपुर के जिले के लिए वरदान साबित हो रही है, क्योंकि इससे पहले भी यह ट्रेन 1 टैंकर ऑक्सीजन जबलपुर के लिए लाई थी। ऐसे में जिला प्रशासन को ऑक्सीजन आपूर्ति करने के लिए बड़ी राहत उपलब्ध हो रही है। मध्य प्रदेश के लिए दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस का आगमन आज जबलपुर में लगभग 16:40 पे हो चुका है
ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस कल बोकारो से लोड होके निकली थी 21:25 पे, लगभग 18 से 19 घंटे की दूरी समय में इसने 864 किलोमीटर की दूरी तय की है। और इस ऑक्सीजन एक्सप्रेस से दो टैंकर जबलपुर के लिए आए हैं और साथ ही साथ बाकी दो टैंकर मकरोनिया सागर के लिए भी ऑन द वे हैं, जो कि कुछ ही देर में मकरोनिया सागर भी पहुंच जाएंगे। पश्चिम मध्य रेल ने ऐसी प्लानिंग की कि इसी रेक को जो बोकारो से आया उसको दो हिस्सों में एनकेजे में स्प्लिट किया गया ताकि पैरेलल और फास्ट मूवमेंट किया जा सके और मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की आपूर्ति जल्द से जल्द की जा सके। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग जामदार हॉस्पिटल जबलपुर, नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बायपास चौक के पास, जबलपुर। जबलपुर पहुंचे प्रभारी मंत्री अरविंद भदौरिया द्वारा आज कोरोना मरीजों के लिए तैयार किए जा रहे कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया गया। कटंगी बायपास पर तैयार किए जा रहे इस कोविड केयर सेंटर में एक साथ 500 कोरोना सिम्टोमेटिक मरीजों का इलाज संभव हो सकेगा। सेंटर में की जा रही तैयारियों का जायजा आज लिया गया। इस मौके पर प्रभारी मंत्री के साथ सांसद राकेश सिंह, बीजेपी विधायक अशोक रोहाणी, जबलपुर कलेक्टर कर्मवीर शर्मा भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान प्रभारी मंत्री अरविंद भदौरिया और सांसद राकेश सिंह ने आवश्यक दिशा निर्देश भी जिला प्रशासन को दिए हैं। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए प्रभारी मंत्री जबलपुर की जनता को आश्वासन दिया है कि जल्द ही सेंटर तैयार हो जाएगा, जिससे कोरोना के खिलाफ लड़ाई में ज्यादा से ज्यादा मदद हो सकेगी। ये 500 बिस्तर हमारा कोविड केयर सेंटर के लिए, यहाँ की मैं तारीफ करूँगा जबलपुर की, जबलपुर के प्राइवेट डॉक्टर एसोसिएशन की तारीफ करूँगा, हमारे सांसद जी के प्रयास से, सभी के प्रयास से ये 500 बिस्तरों का एक बहुत अच्छा कोविड केयर सेंटर का निर्माण चल रहा है। बहुत जल्दी इसको ठीक हो जाएगा। यहाँ पे सभी डॉक्टर्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जो डॉक्टर्स लोग हैं वो रहेंगे, नर्सिंग स्टाफ से लेकर बाकी कलेक्टर वगैरह सब चिंता करके बहुत जल्दी हमारे जबलपुर की जनता के लिए उसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के स्टाफ की कमी और पर्याप्त संसाधन न होने के चलते 18 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों को वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। इस दौरान सरकार का पूरा फोकस 45 साल से अधिक उम्र के लोगों के सेकेंड डोज पर रहेगा। यह कारण बताते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने 1 मई से होने वाले वैक्सीनेशन पर रोक लगा दी है। अभी मध्य प्रदेश सरकार ने नए वैक्सीनेशन अभियान को नजरअंदाज कर दिया है, लिहाजा कांग्रेस विधायकों ने स्वयं से 18 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों को वैक्सीन लगवाने के लिए राज्य सरकार को पत्र लिखा है। विधायक विनय सक्सेना ने प्रभारी मंत्री अरविंद भदौरिया को सुझाव दिए हैं कि अगर सरकार के पास स्वास्थ्य विभाग का अमला और संसाधन नहीं है तो हम निजी स्वास्थ्य अमला लगाकर वैक्सीनेशन करवाएंगे। कांग्रेस विधायक उसके लिए राशि देने को भी तैयार है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज कहा है कि 18 साल वालों को भी इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे। हमने ये अपने तरफ से आगे बढ़ के एक पत्र दिया है प्रभारी मंत्री को, जिसपे उन्होंने कहा है कि अच्छी बात, इसकी राशि भी हम उपलब्ध कराएंगे। और जैसा सरकार कह रही है हमारे मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ कम है तो हम एक 18 साल को भी लगा नहीं सकते सेकेंड डोज देना। इसमें शासन की कोई भी हम मदद देंगे, सिर्फ हमको सिरम से 300 रुपये या 150 केंद्र सरकार से इंजेक्शन दिला दे, हम लोग इसमें निजी चिकित्सालयों से निजी पैरामेडिकल स्टाफ लगा के, लेकिन इसमें पूरी पारदर्शिता रखेंगे। इसमें हम सब कांग्रेस के विधायक तो शामिल रहेंगे, लेकिन हम भाजपा के भी किसी विधायक के साथ पक्षपात नहीं करेंगे। पूरे जबलपुर शहर के जो 1 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन युवाओं का हुआ 18 साल, हमको कल से इंजेक्शन देंगे, हम परसों से अपनी पूरी व्यवस्था करके खुद इंजेक्शन लगवाना शुरू करा देंगे। और 1 लाख लोगों में जितनी भी राशि खर्च होगी जबलपुर शहर में युवाओं को, उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा पार्टी का, हम लोग नहीं करेंगे। क्योंकि हम लखन भैया ने, संजय यादव ने, तरुण भाई सब ने अभी कहा कि हम लोग सब विधानसभाओं के साथ एक सा व्यवहार करेंगे और सभी जबलपुर शहर के युवाओं को अगर इंजेक्शन लग जाएगा तो बीमारी से बच सकेंगे। ये पत्र माननीय प्रभारी मंत्री जी को मुख्यमंत्री जी के नाम से दिया गया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी को लेकर सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रखने की व्यवस्था दे दी। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और जस्टिस अतुल श्रीधरन की युगल पीठ के समक्ष लगातार तीसरे दिन इस मामले की सुनवाई हुई। लगातार 2 दिन से इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश बाहर आने का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन अभी निर्णय सुरक्षित रखा गया है। कोर्ट मित्र और वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ ने सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी बनी हुई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके जस्टिस संजय कुमार सेठ का शुक्रवार को कोरोना संक्रमण की वजह से निधन हो गया। वे एबी रोड स्थित एक अस्पताल में इलाज करवा रहे थे। 1990 के बाद जस्टिस सेठ ऐसे पहले जज रहे जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी होते हुए यहां के चीफ जस्टिस बने थे।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में 89.65 लाख रुपए की लागत से अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 20 बेड का कोविड अस्पताल महज 3 दिन में तैयार हो गया। इसकी खासियत यह है कि इसे कहीं भी शिफ्ट किया जा सकता है। इन्फ्लेटेबल स्ट्रक्चर मटेरियल के उपयोग से तैयार इस अस्पताल में कोविड मरीजों की जरूरत संबंधी सभी संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। जानकारी के अनुसार 20 बेड के इस अस्पताल का निर्माण मेडिकल के स्कूल ऑफ एक्सलेंस इन पल्मोनरी मेडिसिन भवन की पार्किंग में किया गया है। एसी युक्त अस्पताल में कोविड मरीजों के लिए जरूरी ऑक्सीजन, हाई फ्लो ऑक्सीजन, वेंटिलेटर पीटी, पीआरओ मैक्स ऑक्सीजन और सक्शन लाइन के साथ साइड लगाकर ड्रिप साइट और हाई कार्टिक टेबल दिए गई है। सरकार देखिए, गांवों के हालात बिगड़ने लगे हैं। जिस गांव में महीने में 3 से 4 मौतें होती थीं, जबलपुर के उस बेलखेड़ा गांव में अप्रैल में 28 चिताएं जलाई जा चुकी हैं। सरकारी रिकॉर्ड में कोरोना से यहां सिर्फ 3 मौतें दर्ज हैं और 18 संक्रमित, जबकि गांव में अभी भी 56 लोग बुखार खांसी से ग्रस्त हैं। यह वही गांव है जहां पहली लहर में एक भी केस नहीं था और अब गांव को ही कंटेनमेंट बनाना पड़ा। 1735 घरों के साथ 7536 की आबादी वाले इस गांव में एक महीने में 28 लोगों की मौत हो चुकी है, यानी औसतन हर रोज एक। यहां एक डॉक्टर के संक्रमित होने के बाद गांव में कोरोना ने पांव पसार लिया है। ग्रामीणों के अनुसार बेलखेड़ा पीएचसी के डॉक्टर नीलेश श्रीवास्तव अप्रैल के पहले सप्ताह में संक्रमित हुए थे। तबियत बिगड़ी तब से भी अस्पताल में भर्ती हुए, इससे पहले वह लगातार लोगों का इलाज करते रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।